स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज रेसिपी इज अ चाट रेसिपी और अ भेल रेसिपी, बट हम उसे भेल बोलते हैं, चाट बोलते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चाट है जो विदाउट एनी चटनी बनाया जाता है। यस, सही पकड़ा आपने, ये है चाइनीज भेल, हम सबका फेवरेट। इट्स ऐसी एक इंडो चाइनीज रेसिपी जो चटपटी, थोड़ी सी तीखी और सबकी फेवरेट होती है। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट टेम्प्टेड। सबसे पहले हमारे जो वेजिटेबल्स रहते हैं, मोस्टली चाइनीज रेसिपी के लिए हम उसे जुलियन कट ही करते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने बड़े बड़े लंबे लंबे कट कर लिए हैं। कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट्स, वो तीन चीज़ हमें मेनली चाहिए होगी यहाँ पे। साथ साथ में हमारा पानी जो है वो भी उबल रहा है, तो जैसे ही पानी उबलने लगता है उसके अंदर हम नमक और एक चम्मच जितना तेल डाल देंगे, और 400 ग्राम्स ऑफ नूडल्स यहाँ पे मैंने यूज़ की है, हम उसे फ्राई करने वाले हैं। एंड नूडल्स को फ्राई करते ही उसका साइज़ जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा नूडल्स मैंने अकॉर्डिंगली ली है। तो 400 ग्राम्स यानी कि 2 पैकेट जितनी नूडल्स है चेक कर लिया है हमने। 90% जितना कुक हो चुका है, वो ज़्यादा कुक नहीं होने देनी है, ओवर कुक नहीं तो वो चिपचिपी हो जाती है। तो पानी हमें रखना है, बिकॉज हमारी नेक्स्ट हमें जो है राइस को उबालना है, इसलिए पानी रखते हुए हम नूडल्स को केयरफुली निकाल देंगे। सेम पानी के अंदर हमने 2 कप जितने राइस जो है वो सोक करके रखे थे, वो उसके अंदर हम डाल देंगे। अगर उसके भिगो के रखे हैं, सोक करके रखे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वो एक एक दाना जो है वो अलग निकल के आएगा और राइस हमारे बहुत अच्छे से कुक होंगे। सेम राइस में भी 80% कुक होने से हम निकाल लेंगे। एकदम केयरफुली हमें अलग अलग करके नूडल्स जो है वो तल लेनी है, फ्राई कर लेनी है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे हाई फ्लेम रखी है मैंने, बिकॉज नूडल्स वैसे वो ऑलरेडी कुक्ड है, तो उसे हम कुक करने के लिए फ्राई नहीं कर रहे, हम उसे फ्राई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो क्रिस्पी हो सके, इसलिए हाई फ्लेम के अंदर ही हम उसे क्रिस्पी करेंगे, कुक करेंगे। नाउ और लास्ट स्टेप इज तड़का मारना है एकदम चाइनीज वाला, तो हाई फ्लेम पे सारा कुछ चीज़ें हम उसे पकाएंगे। 2 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, और उसके अंदर सबसे पहले हम अदरक डाल देंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक है मेरे पास कद्दूकस करके। जितना ज़्यादा अदरक उतना अच्छा टेस्ट आएगा, चाइनीज़ रेसिपी है इसलिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी चाइनीज़ भेल को वो देगा। थोड़ा सा कलर, स्ट्रीट में तो वो बाहर का फूड कलर भी डालते हैं, लेकिन कलर के लिए हमने तड़के में ही अगर लाल मिर्च ऐड करते हैं तो कलर थोड़ा सा अच्छा आता है, और लाल मिर्च डालते ही उसके अंदर हम वेजीज डाल देंगे, वेट नहीं करना है, नहीं तो वो काला हो जाएगा। तड़के के अंदर हमने लाल मिर्च डाली है इसलिए, और हाई फ्लेम पे ही सारी चीज़ें हमें पकानी है। वेजीज को ज़्यादा नहीं कुक करना है हमें, बस हल्का सा सौते कर लिया, जैसे ही हमको लगे वैसे हम उसमें नमक और सफ़ेद मिर्ची पाउडर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, उसकी तिखाश बहुत अच्छी आती है। आपके पास नहीं है, यू कैन यूज़ ब्लैक मिर्ची पाउडर ऑल्सो, चलेगा। ये स्पेशल रेसिपी के लिए मैंने स्वीट चिली सॉस वो जो है वो लिया है, स्वीट चिली सॉस ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून जितना लिया है, सॉरी 2 टेबलस्पून जितना लिया है। थोड़ा सा स्पाइसी है इसलिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन एडजस्ट। और आ गया है विनेगर एंड सोया सॉस, एंड यस टोमेटो केचप। टोमेटो केचप के बिना तो चाइनीज़ भेल जैसे कि अधूरी है, बिकॉज उसका टेंगी एंड स्वीट टेस्ट वो बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। फ्रेश कोरिएंडर भी डाल दी है, एंड देन कुक्ड राइस, आपको जितने राइस पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे राइस नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़े ही राइस ऐड कर रही हूँ अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, आप उस हिसाब से यहाँ पे राइस जितना आपको पसंद है वैसे आप डाल सकते हैं। सो अवर चाइनीज भेल इज़ ऑलमोस्ट रेडी। हमने जो फ्राई करके नूडल्स रखी थी, बस उसको हमें ब्रेक करके डालना है, हाथ से ऐसे तोड़ के उसको डालना है, एंड हमारी चाइनीज भेल जो है इट्स रेडी टू सर्व। एकदम गर्मा गर्म, आप देख सकते हैं मैंने गैस स्विच ऑफ ऑलरेडी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेल, एकदम टेंगी, थोड़ी सी स्वीट और थोड़ी सी स्पाइसी वाली। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर से उसे घर पे ट्राई करिएगा, एंड आपको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।